चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बार बार लोगों ने कहा कि दिल को लगती है बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद। और सबसे ज़्यादा खुशी सचमुच मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, कि ये पहली बार का आयोजन बन करके नहीं रहेगा शमशेर के इस इलाके में, ये हर साल किया जाने वाले आयोजनों में तब्दील होगा। इसलिए वो कहते हैं कि तू अपराजित मुझ में और मैं अपराजित तुझ में वास करूं। वही मेहनत करने वाला आदमी, वही श्रम करने वाला आदमी, वही किसान, वही मजदूर, वही नौजवान, वही पीड़ित लोग, वही दुखी स्त्रियां, ये सब रचती हैं उस समृद्धि को। यहां क्यों नहीं आ पाए जहां के वो थे? और केवल जन्मभूमि का मसला नहीं है, जिनके दुख दर्द के वो कवि थे, जिनकी लड़ाइयों के वो कवि थे, उनके जगह पर बार बार लोगों ने कहा कि दिल को लगती है बात खरी है शायद, वही शमशेर मुजफ्फर नगरी है शायद। तो जो खरी खरी बातें, दिल को लगने वाली बातें कहने वाले शमशेर, उनके उस जगह पर जहां से वो आए, वहां हम क्यों नहीं पहुंच पाए? मुझे लगता है कुछ समय था, शायद समय था किसान आंदोलन का, उसके बाद वो झंझावात उठा और वो खींच ले आया आज सबको आप सबके बीच। जो हिंदी साहित्य के लोग हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, उन सबको ये ताकत उस जनता की है जिसके वो कवि थे, जिनको आज और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और वो समझे जाएंगे। वो जटिल संश्लिष्ट, अब आप देखिए, मैं बहुत संक्षेप में बात करूँगा क्योंकि बात बहुत ही बढ़िया तरीके से अंतिम वक्ता तक, उनका मैं नाम नहीं सुन पाया था, हैं प्रवीण जी, उनकी प्रवीणता भी गजब की थी। उनकी कविताओं में वो बार बार कहते हुए कि मैं बहुत उतना नहीं, लेकिन वो उनका प्रवेश बहुत अद्भुत था। पायल जी ने तमाम हिंदी के बड़े समीक्षकों के जरिए भी अपनी बात कहते हुए उनके नज़र से भी शमशेर जी को रखा। गोपाल जी ने बहुत बढ़िया से, और हमारे संचालक महोदय खुद बीच बीच में उनकी जिन चीज़ों को सामने ले आए, वो हम लोगों की चीज़ें थीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब उनको कुछ लोग जो कहते हैं कि शमशेर केवल सौंदर्य के कवि हैं, तो क्या होता है भाई सौंदर्य? क्या लोगों के जीवन के दुख सुख संघर्षों से अलग भी कोई सौंदर्य होता है? अब उषा नाम की जो कविता है, मैं चकित रहता हूँ उस कविता को पढ़ के, और मैं समझता हूँ कि हिंदी में वो अपने किस्म की एक अकेली कविता है जिसको कोई भुला नहीं पाता। छोटी कविता, सांस थम जाती है कि इतनी लंबी सांस कैसे लिया होगा शमशेर ने इतनी छोटी कविता के लिए। अब वो पूरी कविता तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राप्त लभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा था। इतना गहरा ऑब्जर्वेशन, आसमान के उस गीलेपन तक को देख लेना, और उस उषा के काल में, और उसका उपमा कहाँ से ले रहे हैं, उसका बैरा कहाँ बांध रहे हैं, राख से लिपा हुआ चौका, वो तो जीवन है। हमारे घर का वो चित्र है, राख से
रात को सारा कुछ बना होना करके जब स्त्रियां रात से लीप देती थी चौके, तो एकदम सुबह सूख नहीं जाता था पूरी तरीके से। उस गीलेपन को देखिए, उस सजलता को भी देखिए, उस भीगे मन को भी देखिए। केवल आकाश देख लेने और केवल उसमें झिलमिलाती गौर देख लेने से बात नहीं बनेगी। ठीक उसी तरह से एक बहुत काली सिल कि जैसे केसर में धुल गई हो, या कि लाल खड़िया मल दी हो किसी ने, आकाश का रंग है ये, लेकिन उसकी उपमा कहाँ से आ रही है? उस लाल खड़िए से आ रही है, वो केसर सिल से जिस पर हम अपने सारे काम करते हैं। लोगों के भीतर के सौंदर्य को उषा में अभिव्यक्त करने की पूरी कोमलता के साथ शमशेर हमारे सामने उतनी एक लंबी छोटी बड़े ऑब्जर्वेशन को बड़ी गहराई से देखी गई चीज को जिंदगी के भीतर भी देखते हैं। जो किसान का घर परिवार जिंदगी है, और संघर्ष दुख का दुख से नाता होता है। यशाम है कविता की सबने चर्चा की, यशाम है या खेत है पके हुए अनाज का, और वो कविता लिखी किस पर गई है? उसकी अगली पंक्ति है कि लहक उठी लहू भरी दरातियां की आग है, और किसके बारे में लिखी जाकर के? किसान से शुरू होती है वो, और फसल से शुरू होती है। क्यों? वो इसलिए शुरू होती है कि ग्वालियर में उस समय मजदूरों के ऊपर गोली चली थी उनके हड़ताल पर, और शुरू करते हैं शमशेर किसान से। क्यों? इसलिए शुरू करते हैं कि किसानों का दर्द और मजदूरों के दर्द में फर्क नहीं है, और ये दोनों दर्दों का साथ एक साथ होना बहुत जरूरी है। क्या आज आपने किसान आंदोलन में आप नहीं सुन रहे हैं कि हम मजदूरों के आंदोलन का साथ देंगे? क्या आज हम नहीं सुन रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के साथ कह रहे हैं मजदूर कि हम भी खड़े होंगे? जाहिर है कि उनके खड़े होने साथ आने के तरीके अलग अलग होंगे, क्योंकि जीवन प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन वो एक साथ खड़े होने के लिए धीरे धीरे प्रतिबद्ध हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये शमशेर की भविष्य दृष्टि है, भविष्य में झांक लेने की दृष्टि है। अब जैसे बहुत सारी कविताएं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, अब जैसे काल तुझसे होड़ है मेरी, जो हमारे प्रवीण जी अभी अंतिम तौर पर उस पर कुछ बातें करके गए, तो इसी पर एक दो बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हुई हैं। प्रणय जी ने एक तरह से कही है कि शमशेर की कविता में जो सौंदर्य के साथ संगीत है, उस लय में अपनी बात कही है। आप लोगों ने सुना है, और मुझे लगता है कि वो आपके भीतर बचती रहेगी। पायल जी ने अपनी बात कही, गोपाल जी ने एक नौजवान की तरह से शमशेर को नौजवान बनाते हुए अपनी बात कही, और मैं नौजवानों की प्रतिक्रिया देख रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी, सचमुच मैं आपसे कह रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ, कि ये पहली बार का आयोजन बन करके नहीं रहेगा शमशेर के इस इलाके में, ये हर साल किया जाने वाले आयोजनों में तब्दील होगा। हर साल किए जाने वाले आयोजनों में, और हिंदी के लोगों को खींच के आप ले आएंगे, ये तय बात है। आज कम लोग दिख रहे हो, कल नामोर लोग भी इसी यहीं आकर के शमशेर पर बात करेंगे। ठीक उसी तरह से मैं काल तुझसे होड़ है पर मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु की बात की तरह से लिया काल को हमारे साथी ने, बिल्कुल सही। लेकिन जरा ताकत देखिए, शायद हमारी तरफ एक कहावत कह के प्रश्नावली की तरह से कहावत कही जाती है, और उसमें फिर उसी में उत्तर भी दिया जाता है, उसमें काल का भी जिक्र होता है।
कि काल का ही नहीं खाए, कौन ऐसी चीज है जिसे काल नहीं खा सकता। उसमें उत्तर देता है फिर कि नाम काल नहीं खाए। तो नाम तो बहुत लोगों के हैं, इतने इतने नाम हैं कि जब वो रहते हैं तो लगता है कि उनके बगैर अब दुनिया चलेगी ही नहीं, और उनके जाते ही उनको ऐसे लोग भूलते हैं कि फिर कोई नामे नहीं लेता उनका। ऐसे भी नाम है, सिवा नाम का नहीं है। शमशेर कहते हैं कि तुम्हारी हमसे होड़ है और मैं वो हूं जो तुम नहीं हो। आप इस बात को समझिए, काल सब कुछ है लेकिन वो कहते हैं कि मैं वो हूं जो तुम नहीं हो। कला तो नहीं है काल, संस्कृति तो नहीं है काल, संगीत तो नहीं है काल, क्रांति तो नहीं है काल, कम्यून तो नहीं है काल, समाजवाद या इस सबसे समृद्ध एक व्यक्ति काल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि तू अपराजित मुझ में और मैं अपराजित तुझ में वास करूं। तुम हमको मिटा नहीं सकते, तुम अपराजित हो, अपराजेय हो, तो मैं भी अपराजेय हूं। तो मैं माने एगो शमशेर नहीं, मैं माने इन सारी चीजों से समृद्ध एक समाज, एक देश, एक लोग, एक पूरा जीवन जो नारकी और बदतर और मनुष्य द्रोही बना दिए गए समय के खिलाफ एक संस्कृति की, एक सौंदर्य की, एक समृद्ध विचार की, समृद्ध व्यक्तित्व की निर्मित करने के लिए संकल्पित जीवन है, उसकी काल से होड़ रहेगी। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसकी काल से होड़ न हो। और ये रचता है इस सबको कौन? वही मेहनत करने वाला आदमी, वही श्रम करने वाला आदमी, वही किसान, वही मजदूर, वही नौजवान, वही पीड़ित लोग, वही दुखी स्त्रियां, ये सब रचती हैं उस समृद्धि को। और उस समृद्धि को लेकर के, जैसे शमशेर कहते हैं कि लेकर सीधा नारा मैंने तुम्हें पुकारा, उस समृद्धि की दिशा में जाने का आह्वान शमशेर की कविता है, मुक्तिबोध की कविता है, नागार्जुन की कविता है, ये सारे लोगों की कविता जो पाब्लो नेरुदा से लेकर के तमाम लोगों की यहाँ चर्चा हुई, ये सारे लोग उस समृद्धतम जीवन के कवि हैं और उस समृद्धतम जीवन की वास्तविक बना देने के कल्पना के भी कवि हैं। इसलिए शमशेर की उस गजल के उस पहले पंक्ति का जो हमारे संचालक महोदय बार बार कह रहे थे और साथियों ने भी आया कि हकीकत को लाए तखयुल से बाहर। लोग कहते हैं कि अरे ये लोग कवि लोग तो कल्पना करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिंदगी में ही हकीकत और कल्पना मिली जुली हुई हैं। हम हकीकत को देख के भविष्य का एक सपना देखते हैं, सपना इतना बेकार नहीं होता। कुछ सपना मन की मौज भी होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ सपने होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर चढ़ा दी जाती है। और शमशेर ने भी एक कवि के रूप में अपनी पूरी जिंदगी उस सपने को हकीकत में बदलने वाले लोगों के बीच, उनके भीतर उस सपने को बो देने के लिए जो कविता काम कर सकती है, इसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर चढ़ा दी और कभी किसी चीज की कामना नहीं की। वे कठोर जीवन के सबसे नाजुक कवि हैं हिंदी के। वैसे ही जैसे कोपलों को देख करके, कोपले कहते हैं ना नए पत्ते जो निकलते हैं, यहां भी कोपल ही कहते होंगे, कोपलों को देख के हम उनके सौंदर्य पर लहालोट हो जाते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि वो कोपलें कितनी कड़ी साख को छेद के फट से निकल आती हैं सहजता के साथ। वैसे ही जैसे अंकुर धरती को छेद के बाहर निकल आता है, शमशेर उस सहजता और उस नाजुक योद्धा, नाजुक
तरीके से लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं जिनकी आवाज़ बहुत मध्यम रहती है लेकिन वो इतनी सख्त जान होती है कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि बातें बहुत हुई हैं, मैं झूठे उसको दोहरा के केवल थोड़ा डाइल्यूट ही करूँगा। इन शब्दों के साथ मैं शमशेर को, उनके सभी दोस्तों को, वो जिनमें वास करते थे, उस सभी समाज, जनता, किसान, मजदूर, उन सबके प्रति अपना श्रद्धा निवेदन करता हूँ। और शमशेर जो काल से होड़ लेने वाले हैं वो अपराजित कवि हैं और उन्हें हम कल भी और ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसी जगह पर याद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।